कोली, ए कोली कोली, चौका मार ना चौका, क्या कर रहा है? ए कोली, चौका मार। कोली, ए कोली कोली, चौका मार ना चौका, क्या कर रहा है? ए कोली, चौका मार। कोरोना वायरस के साथ जंग जीतने में समय लगेगा, हौसला लगेगा, और सबसे ज्यादा लगेगा आपका संयम और जिम्मेदारी अगले 21 दिनों के लिए। कीजिए कुछ अहम चीजें कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए। घर पर ही रहिए, अपने आप को और अपने परिवार को बचाइए कोरोना वायरस से। कर्फ्यू का उल्लंघन ना करें, ये महत्वपूर्ण है कोरोना वायरस को रोकने के लिए। घर से निकल के मोर्चा बनाकर या शोर मचा के कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। अंधविश्वास या अफवाह पे गौर करने से कोरोना वायरस से जंग नहीं जीत पाएंगे। आपकी एक लापरवाही की वजह से हम सबको और पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है बहुत बड़ी कीमत। 21 दिनों तक इंडिया को घर पर रहना और भारतवर्ष को बचाना है। एकता दिखाइए, जीवन और देश बचाइए। We know we're all going through a very difficult time. And the only way to stop the spread of coronavirus is by acting together. We are staying at home for our safety and for everyone else as well. And you should do it too, to prevent the further spread of the virus. Let's make it safe for us and everyone else by self-isolation. Stay home and stay healthy. Namaskar, main Virat Kohli. Aaj aapse ek Bharatiya khiladi ke taur pe nahi, पर एक भारतीय नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूँ। जो कुछ मैंने पिछले कुछ दिनों में देखा, लोगों की भीड़ सड़कों पे, झुंड में घूमते लोग, कर्फ्यू का पालन ना करना, लॉकडाउन का पालन ना करना, ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि हम इस लड़ाई को बहुत ही साधारण तरीके से देख रहे हैं और ये लड़ाई उतनी साधारण नहीं है जितनी हम लोगों को दिखती है, हम लोगों को महसूस होती है। तो मेरी सबसे यही एक रिक्वेस्ट है आज कि प्लीज 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 सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, उसको फॉलो करें। जो भी सरकार ने हमको डायरेक्टिव्स दिए हैं, जो भी चीजें करने को दी हैं, उसको प्लीज प्लीज बहुत ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से फॉलो करें। ये सोचें कि अगर आपके परिवार में किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो जाए आपकी लापरवाही की वजह से, तो आपको कैसा महसूस होगा। तो प्लीज हमारी सरकार, हमारे मेडिकल एक्सपर्ट्स बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय पे इस चीज के लिए, और ये चीज तभी सक्सेसफुल हो पाएगी जब हम लोग भारतीय नागरिक होके अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं। मस्ती मजाक करने के लिए रोडों पे निकलना, इस माहौल का फायदा उठाना, मेरी नजर में अपने देश से ईमानदारी नहीं है। तो अभी मैं आप लोगों के साथ मिलकर ये चीज ठीक होने देखना चाहता हूं, और मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि प्लीज जो भी सरकार हमें कह रही है करने को, उस चीज का पूरा पालन करें। जय हिंद।